हिंदू और सनातन धर्मों में महिलाओं का मान सम्मान, कुरान ने तो नहीं कहा ना कि मर्दों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरे मिलेंगी। तो हिंदू और सनातनी धर्म के, जो हिंदू धर्म से जो लड़के आते हैं, उनके संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनके तो, और निकाह करने से पहले इमाम, मौलाना सब और रिश्तेदार बैठ करके पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, पर तलाक देने से पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई तुमको कबूल है, हम तुमको तलाक दें। हिंदू और सनातनी धर्म के, जो हिंदू धर्म से जो लड़के आते हैं, उनके संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास, महिलाओं के प्रति उनका जो एक मान अदर और सम्मान जो देखा जाता है, वो वाकई में बहुत बहुत ज्यादा देखा जाता है। देखिए, इसके ना, इसको हम बहुत तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हम के हमारी अपब्रिंगिंग हमारे ऊपर बहुत डिपेंड, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे वे ऑफ टॉकिंग के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस घर में हो रही है और हमें कैसे संस्कार मिल रहे हैं। एक हमारे मुसलमानों में भी आप देखिएगा कि एक घर होता है जहां पर बहुत मॉडर्न फैमिली होती है, बहुत एडुकेटेड फैमिली होती है, जहां पर मर्द और औरत को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, ऊंचा और नीचा नहीं दिखाया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई पर भी उतना ही फोकस किया जाता है जितना लड़कों की पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। पर एक आ जाते हैं पसमांदा मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हो, तो उसमें उसमें क्या होता है कि भाई लड़कियां घर पर रहें, वो घर के कामकाज सीखें, वो जितने भी घर के तौर तरीके हैं वो सीखें, क्योंकि उनको दूसरे के घर जाना है और उनको अपनी वही कला दिखानी है। तो जहां तक हिंदू धर्म की बात है, और क्योंकि सिंस बर्थ मैं हिंदुस्तान में हूँ और मेरी माँ मम्मी की मम्मी, मेरी नानी अम्मी, मेरी पर नानी अम्मी, मतलब पुश्त दर पुश्त मेरा हिंदुस्तान से ही आया हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोगों की गैदरिंग जो होती है, या हमारे जो एक्वेंटेंस होते हैं, या सोशल गैदरिंग होती है, वो ज्यादा से ज्यादातर हिंदुओं के साथ ही ज्यादा होती है, क्योंकि एडुकेटेड फैमिलीज को या बहुत हाई क्वालिफाइड लड़कियों को मुसलमान लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ लेती हैं वो वोकल हो जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम पढ़ लेते हैं तो हम ब्लैक को ब्लैक बोलते हैं और व्हाइट को व्हाइट बोलते हैं, और ये मुसलमान मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं कि धर्म हिंदू को क्या सिखाता है, हिंदू मर्दों को, और मुसलमान पुरुषों को क्या सिखाता है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा वैल्यूबल पार्ट है आपके दिमाग को और आपकी अपब्रिंगिंग को सुधारने का और बिगाड़ने का, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि हम बचपन से जो धर्मों की बातें घर में सुनते हैं वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हावी होता है। अनम, अब देखिए, हिंदू धर्मों में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती देवी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वैष्णव देवी की पूजा होती है, राज राजेश्वरी देवी की पूजा होती है, कुमारी पूजा होती है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके, उनको सजा वजा करके उनके पैर धोए जाते हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी करते हैं, और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी करते हैं, मध्य प्रदेश के जो है शिवराज सिंह चौहान जी वो भी करते हैं। तो छोटी छोटी बच्चियों को, उनको सजा वजा करके एकदम मतलब दुर्गा की तरह बना करके, उनको देवी देवियों की तरह बना करके उनको उनके पैर धुलाए जाते हैं और उनको अच्छे खाने दिए जाते हैं। देखिए, सीता माँ, रामायण आपने सुना होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा ही रामायण के बारे में। तो मैं एक आपको कहानी बताना चाहती हूँ कि जब सीता माँ को जब अपहरण, उनका उनका किडनैप हो गया था, उनको उठा करके ले गया था, तो जब हनुमान जी के साथ राम भगवान के छोटे भाई जब उनको ढूंढने के लिए निकले थे, तो सीता माँ ने कहीं पर मतलब अपने कुछ कुछ सामान फेंके थे ताकि उनको खोजा जा सके। अब देखिए, संस्कार यहाँ पर आता है, यहाँ पर संस्कार दिखाई देता है। तो जब उनकी चुन्नी मिली तो राम भगवान के छोटे भाई ने कहा कि हाँ, ये सीता मैया की चुन्नी है। जब उनका चप्पल मिला तो हाँ, ये सीता मैया का चप्पल है। जब उनका उनका कुछ और सामान मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सीता मैया का है। पर नाक का नोज पिन जब मिला तो हनुमान जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, राम राम भगवान के जो छोटे भाई थे उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
सीता मैया अपने चेहरे पर क्या यूज करती थी वो मैं नहीं कभी देखा उनका चेहरा, तो मैं बता नहीं सकता। तो जिस पर एक बहुत बड़ी कथा भी है और रामायण में काफी बड़ा पार्ट लिखा हुआ भी है कि अपनी खुद की भाभी का उन्होंने कभी, राम भगवान के भाई ने कभी चेहरा नहीं देखा था, मतलब सीता मैया का चेहरा खुद के देवरों ने कभी नहीं देखा था। तो दिस इज संस्कार, दिस इज कॉल्ड संस्कार। तो यहाँ तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में भाभी और देवर में इतनी गंदी गंदी मजाक होता है, इतना गंदा गंदा वाहियात वाहियात मजाक होता है कि शायद मतलब अगर पढ़ी लिखी लड़कियां हो जाए तो मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दे, इतना वाहियात वाहियात भाभी और देवर में मजाक होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम फैमिलीज के अंदर। और एक रामायण में हमने पढ़ा है कि सीता मैया नाक में नोजपिन पहनती थी, ये राम भगवान के भाइयों को पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी का शक्ल कभी नहीं देखा था। तो अब आप सोचो कि जिन सनातनी और हिंदू हिंदू लड़कों ने ऐसे ऐसे भगवान के बारे में और ऐसे अपने होली बुक में पढ़ा है, और जहां पर जिस सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है, तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है, ये उनकी उनके बर्थ के वक्त ही आ जाता है। अब आ जाते हैं मुसलमान में ना, हमारे मुसलमान मर्द बहुत बहुत होशियार होते हैं, हमारे मुसलमान मर्द बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने देखा कि भाई चार शादियां प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था तो हम भी चार शादी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये देखना छोड़ दिया कि भाई उन्होंने किस किस रीजन से चार शादियां की थी, ये देखना छोड़ दिया। अब कुरान कहता है कि तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है, कुरान कहता है कि तलाक के जितनी बुरी चीज कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई मुसलमान इतना तलाक देते हैं कि फोन पर भी तलाक दे देते हैं, दुबई और शारजा में बैठे रहते हैं और वो दूसरे देश में फोन पर तलाक दे देते हैं। तो और निकाह करने से पहले इमाम मौलाना सब और रिश्तेदार बैठ करके पूछते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, पर तलाक देने से पहले कोई नहीं पूछता है कि भाई तुमको कबूल है हम तुमको तलाक देंगे। ये कुरान ने तो नहीं कहा ना कि मर्दों को जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, पर ये तो कहते हैं ना, ये तो बम लगा लेते हैं, गोली लगा लेते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुसलमान जबरदस्ती बनाते हैं। इस तो हिंदू धर्मों में नहीं है, बहन मतलब बहन, बहन का मतलब बहन है, बीवी का मतलब बीवी है, बेटी का मतलब बेटी है। आज मैं जितना ज्यादा हिंदू गैदरिंग में रहती हूँ, अगर किसी के मुंह से दीदी निकल गया है तो मरते दम तक वो लड़का बेचारा दीदी ही बोलेगा और वो मुझे दीदी की नजरों से ही देखेगा। सो एज पर माई थिंक, एज पर माई प्रसेप्शन और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है।